राजसमंद की पंचायत समिति देवगढ़ ग्राम पंचायत ईश्वरमंड की सरपंच श्रीमती हंसाबाई भी उप सरपंच नवरतन मल गांधी, जिनसे आरपीडी न्यूज ने खास मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अब तक के कार्यकाल में पंचायत में बहुत से अधूरे कार्य पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि जिन जिन मूलभूत सुविधाओं से हमारी ग्राम पंचायत वंचित है, सर्वप्रथम उन समस्याओं का समाधान करना हमारा प्रयास है। तो आइए जानते हैं किशन सोलंकी के साथ खास मुलाकात में सरपंच श्रीमती हंसाबाई वे उप सरपंच नवरतन मल गांधी के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत ईश्वरमंड, जिनके नवनिर्वाचित सरपंच है हंसाबाई और उनके जो प्रतिनिधि है नवरतन मल जी गांधी, उनसे भी रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे। जैसे कि ईश्वरमंड जो ग्राम पंचायत है उनके अंदर जनता ने इनको चुना है और अच्छे वोटों से इनकी लीड रही है, तो इनको ऐसी ग्राम पंचायत में मेजर समस्या क्या लगी जिनको लेके वो चुनाव मैदान में आए और जनता ने इनको इस पद पर बैठाया। तो सरपंच साहब नमस्कार। तो मेरे साथ जो इनके प्रतिनिधि है उनसे बात करेंगे हम कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारा और जनता ने अच्छे वोटों से लीड रही है और गांव का अच्छा इनके साथ सपोर्ट रहा है। आज भी आज गांव इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। तो मिलते हैं प्रतिनिधि। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपने अपनी धर्मपत्नी को ईश्वरमंड ग्राम पंचायत से चुनाव मैदान में उतारा और जनता ने अच्छे वोटों से आपकी लीड दी है और अच्छा आपका व्यवहार और अच्छा मान लो ग्राम पंचायत आपके पूरी समर्थन में रही है और आज भी आपके समर्थक है सभी, तो आपको ऐसी ग्राम पंचायत में मेजर समस्या क्या लगी जिसका आप निवारण करेंगे? मेरे को देखिए ऐसा लगा, मैंने 35 साल बेंगलोर में हो गए मैं नहीं जाकर जी, लेकिन गांव वालों की एक ही समस्या थी कि इधर कोई प्रतिनिधित्व तो बराबर नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा चलो एक बार अगर गांव वाले कह रहे हैं तो किस्मत आ गई। बिल्कुल जरूरी। तो फिर मैं बेंगलोर मेरा सब व्यापार छोड़ के मेरे भाइयों को संभाल के फिर मैं मेरी पंचायत के लिए मैं आया। बिल्कुल। और मेरे को ऐसा लगा कि इस गांव में, इस पंचायत में 7 गांव लगते हैं, इधर क्या क्या कमी है। बिल्कुल। वो मेरे को पूरी करने की मेरी तमन्ना है। 2 साल में लगभग 5-6 करोड़ के मैंने काम करवाए हैं और चल रहे भी हैं। तो पिछले मैं जानता हूं तब तक तो मेरे को पता है कि अभी तक तो किसी ने 5-6 करोड़ के 2 साल में काम नहीं करवाए, लेकिन माननीय मेरे विधायक महोदय सुदर्शन सिंह जी की प्रबल इच्छा थी कि सर ग्राम पंचायत में कुछ काम होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने उनके जो मार्गदर्शन से मैंने ये काम करवाया है। बिल्कुल। और आगे भी मैं करवाता रहूंगा और मेरा व्यवहार तो वैसे पूरी जनता जानती है। बिल्कुल। और मेरे ये व्यवहार मेरे पिताजी से, मेरे दादाजी से मिले। तो दादाजी को भी लगभग गांव वाले पूरी अच्छी तरह जानते थे, तो वो व्यवहार दादाजी का आज काम आ रहा है। बहुत अच्छा। जैसे भी सरपंच साहब ने बताया कि यह इनका एक बेंगलोर जैसे बिजनेस है, तो यह पूरी फैमिली बेंगलोर ही रह रहे, लेकिन जनता की डिमांड थी कि यहाँ आके चुनाव लड़े और जनता इनका सपोर्ट करेगी, तो चुनाव फाइट किया और जनता ने आज इनका साथ दिया है। तो जो भी मान लो ग्राम पंचायत की जिस रेवन्यू विलेज गांव में जो भी समस्या है उनका निवारण करना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो जैसे अभी आपने पूरी अपनी ग्राम पंचायत की जो रेवन्यू विलेज गांव है उनके अंदर निरीक्षण किया गए हैं, तो आप एक शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान रहेंगे और शिक्षा आपने देखा है, शिक्षा का स्तर कैसा है ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायत के जो रेवन्यू विलेज गांव है इनके विद्यालयों में, तो आपको शिक्षा का स्तर कैसा लगा? क्योंकि आप युवा एक पढ़े लिखे हैं तो आपको हर चीज का नॉलेज है, इसका शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान है? क्योंकि आजकल आपको पता है समझा शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, शिक्षा है तो सब कुछ है, तो शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान है? शिक्षा के प्रति देखिए मैं जो इधर गुरुजी पढ़ा रहे हैं उनको बार बार बोलते रहता हूँ कि मैं जो कौन से घर से कोई लड़का नहीं आ रहा तो मेरे को बोलो, मैं जाकर बोलूंगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और हर घर में मैं बोलता रहता हूँ अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ाए। और इधर जब 10वीं की क्लास थी तब 4-5 कमरे शॉर्टेज थे, तो मेरे खुद के पैसे से मैंने इधर 4 कमरे डोनेट भी किए उस टाइम में। बिल्कुल। और अभी कमरे और 3 विधायक महोदय के आशीर्वाद से और भी हमने ये किए हैं, तो चल रहा है काम भी और अभी कमरों की व्यवस्था अच्छी है, पढ़ाई भी बच्चों की अच्छी चल रही है। बिल्कुल। और पिछले
सालों से तो बेहतर रहेगी, ये दो सालों में बहुत अच्छी शिक्षा का लेवल अच्छा स्तर अच्छा ऊंचा बढ़ा है। जी जी, तो जैसे अभी आपने बताया कि मैंने शिक्षा के विद्यालय के अंदर जैसे कोई कक्षा कक्ष के लिए मान लो जो भी सहयोग राशि ली और यहाँ उसमें आपने काम करवाया, तो क्या इस मान लो कार्यकाल सरपंच बनने से पहले आपने करवाया था? हाँ, सरपंच बनने से पहले ही कार्यकाल लगभग 5-6 साल पहले बनवाया था। मेरे दादा की पिताजी की बहुत इच्छा थी कि चलो स्कूल में हम ये तेरी जन्मभूमि है तो इधर कुछ काम करवा। तो उस टाइम में मेरे गुरुजी भी बता रहे थे, तो गुरुजी के नाम से मैंने ये 4 कमरे बनाने के लिए और भी 2 कमरे बोल रखे हैं, वो अस्पताल में मैं बनवाऊंगा। बहुत ही अच्छा, ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि आजकल देखते हैं जनप्रतिनिधि या किसी राजनेता चुनाव मैदान में उतरते हैं तो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी मान लो काम विकास भी होता है, लेकिन यहाँ एक देखने को मिल रहा है कि जैसे यह एक बहुत ही बड़े यूं बिजनेसमैन भी है और साथ साथ में भामाशाह भी है, क्योंकि इन्होंने इस पंचायत के अंदर चुनाव लड़ने से पहले ही ग्राम पंचायत में कई विकास कार्यों के लिए खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट भी किया है, विद्यालय में बजट दिया है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से लोग जुड़े, शिक्षा है तो सब कुछ है। बहुत अच्छा, तो सरपंच अभी आपने सरपंच बनने के बाद में, क्योंकि जैसे ही आपके चुनाव हुए जैसे ही कोरोना काल आया 2020 से लेकर 21-22 चल रहा है, तीसरा साल चल रहा है इस कोरोना जैसी महामारी का, तो इस कोरोना जैसी महामारी में जैसे ग्राम पंचायतों में कैसे विकास के प्रति कुछ रोड़ा अटक रहा है या किसी प्रकार का बजट में या किसी प्रकार की समस्या आई? नहीं, विकास के बारे में कोई पैसे के बारे में कोई रोड़ा नहीं अटक रहा है। जब भी मैंने विधायक मुझे वो पूछा ये फंड ये काम करवाना है, तो उन्होंने सहज स्वीकार करके मैंने जो भी प्रस्ताव भेजे उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट कार्य कौन से करवाने हैं उन्होंने पूछा मेरे को, तो उस बारे में फिर उन्होंने जो इम्पोर्टेंट कार्य करवाने हैं वो करवाए और इमीडिएट उनकी सैंक्शन भी उन्होंने निकलवाई और भी मेरे को बहुत कुछ मार्गदर्शन उनका मिल रहा है कि भाई ये करवाना। जैसे पुन्याना की स्कूल के बारे में क्या बताऊं आपको, उधर 100 घर है और 8वीं तक स्कूल थी उधर। अभी विधायक महोदय ने बहुत ही संघर्ष करके उसको क्रमोन्नत करवाया 10वीं स्कूल का, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही अच्छा, यह भी एक देखने को मिल रहा है कि जैसे हमने मान लो बात करें राजस्थान की तो लगभग हर जगह जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की बात करें उदयपुर राजसमंद की तो यहाँ भी सब जनप्रतिनिधि मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ एक देवगढ़ भीम का अजीब ही एक देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ के जो विधायक महोदय है सुदर्शन सिंह जी रावत, उनकी बहुत ही ज्यादा यानी कि अहम चर्चा हो रही है हर ग्राम पंचायत की बात करें तो, क्योंकि उनका बहुत ही अच्छा योगदान है यहाँ ग्राम पंचायतों में और अच्छा विकास हो रहा है, लोग उनको बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कि मान भी रहे हैं कि भाई बिल्कुल हमारे विधायक महोदय जहां भी जा रहे हैं, जहां भी मैंने बात की है वहां भी यही सुनने को मिल रहा है कि हमारे विधायक महोदय ने ये काम करवाया, इसके लिए बहुत ही बड़ा यानी कि उनका योगदान रहा। तो सर यहाँ पेयजल की स्थिति बहुत ही गंभीर है इस क्षेत्र के अंदर, बात करें भीम की और देवगढ़ की तो पेयजल की स्थिति बहुत ही संकट में है, तो पेयजल के लिए आपने क्या प्रयास किया और क्या विधायक महोदय ने आपको दिया? पेयजल के लिए देखो विधायक महोदय ने तो 2 कुएं बिल्कुल और पानी की टंकी बिल्कुल वो दिए ही है, लेकिन मैं मेरे निजी प्रयास से मेरे को पंचायत के प्रयास से पंचायत के फंड से जी। मैंने 2 कुएं और गहरे करवाए और ईश्वरमन ग्राम पंचायत में जो एक कुआ था उसको बड़ा करवाया और निरंतर पानी मिल रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिल रहा है ग्राम पंचायत ईश्वरमन में, तो अभी पानी की तो लगभग पिछले 2 सालों से तो कोई तकलीफ नहीं थी। गांव वाले भी कह रहे हैं कि सरपंच साहब आपको भलो भी दो, बहुत अच्छा किया आपने पानी का काम और एक दिन छोड़ के आज देवगढ़ जैसे शहर में 8-8, 9-9 दिन से पानी जा रहा है, लेकिन मेरी ग्राम पंचायत में कोई, मेरी यही एक ही सोच है कि पानी से कोई प्यासा नहीं रहे, भूखा कोई सो नहीं, तो मेरी एक ही इच्छा है कि इधर अच्छा से अच्छा काम हो, ये मेरी अंदर की भावना है। बहुत ही अच्छा, तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं आपने देखा होगा क्योंकि आज अगर आप राजनीति में अभी आए हैं तो वैसे आपको नॉलेज भी होगा, पढ़े लिखे हैं और आप जानते भी हैं मीडिया के मार्फत, सोशल मीडिया के मार्फत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत,
कि एक पंचायत राज के अंदर बहुत ही अहम मुद्दा चलता आ रहा है कि भ्रष्टाचार, पंचायत राज के अंदर एक अहम मुद्दा चलता है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा आता है, तो आप अपनी ग्राम पंचायत और अपने क्षेत्र में अगर ऐसी कहीं कंडीशन आती है तो उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? भ्रष्टाचार मेरे तो बहुत दूर की बात है जी जी, मैं तो ये समझता भी नहीं कि भ्रष्टाचार होता क्या है, बिल्कुल सही, मेरे को लेना देना ही नहीं उससे। मैंने जो काम बेंगलोर से छोड़ के आया, मेरा व्यापार छोड़ के आया, जो मेरे को ग्राम पंचायत में करवाना है काम वही करवाऊंगा मैं तो। लगभग देवगढ़ की 20 पंचायतों में मैंने देखा है कि पट्टे, हाईएस्ट पट्टे 221 पट्टे मैंने वितरित किए हैं, तो भ्रष्टाचार का मामला इधर तो सवाल ही उठता ही नहीं है, और इधर भ्रष्टाचार होने ही नहीं दूंगा मैं तो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना। बहुत ही अच्छा कि ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है, क्यों कि सरपंच साहब आपने देखा होगा, क्यों हम सुनते भी हैं, आपने भी देखा होगा, क्यों कि ज्यादातर ग्राम पंचायतों में कई जगह कोई सचिव है या किसी पटवारी है एक्सवाइजेड, कोई किसी गरीब से या किसी किसान से 100 रुपए दो, तो उस प्रकार की समस्या को मिटाना ही आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो प्रतिनिधि हमसे, तो हम सरपंच साहब से फिर मुलाकात करेंगे थोड़ी, कि सरपंच साहब आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते क्योंकि आज आप देख रहे हैं राजस्थान में, राजस्थान की बात करें या अदर किसी स्टेट की बात करें, तो एक महिलाएं की महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते आप अपने ग्राम पंचायत की महिलाओं के साथ अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसमें आप क्या उनका शेयर करेंगे? मैं उनके साथ रहूंगी, मैं उनके हर कार्य में साथ करूंगी। जी जी, बहुत ही अच्छा कि अगर हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की, ग्राम पंचायत क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की किसी भी महिला के साथ कोई अनहोनी या किसी भी प्रकार का कोई शोषण होता है तो उसका हम बिल्कुल तत्पर रह के काम करेंगे, चाहे किसी प्रकार से किसी रास्ते से गुजरना पड़े। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो इस मंडल के जो सरपंच है उनसे, तो आरबीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।